ओके, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम वी कॉल इट रेडिक्स. ओके, सो रेडिक्स या बेस भी बोलते हैं कोई, जैसे बचपन तक हम यही पढ़ते हैं ना, नंबर सिस्टम 10, नंबर सिस्टम 10, आर बेस इज 10. व्हाई वी कॉल इट 10? बिकॉज वी यूज डिजिट्स 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये हम 10 डिजिट यूज करते हैं हम अपने सिस्टम को, जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं. एक्चुअली इन डिजिट्स को डिजिट्स बोलने की बजाय वी विल स्टार्ट कॉलिंग इट सिंबल्स. ओके, रेडिक्स और बेस इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सिंबल्स, डिस्टिंक्ट सिंबल्स यूज इन अ पर्टिकुलर नंबर सिस्टम. अब ये सिंबल्स होते क्या है? सिंबल्स जनरली यूज्ड, सिंबल्स जनरली टेकन और यूज्ड आर फर्स्ट 10 डिजिट्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेरिक सिंबल्स, एंड अगर जरूरत पड़े तो, एंड आफ्टर दैट we make use of English alphabets. English language में जो alphabets use होते हैं, English alphabets, यानी A से लेकर Z तक, फिर capital letters हो गया, यदि small letters भी आप इस्तेमाल कर सकते. Then we use small A to small Z, and these are known as alpha symbols. है ना? जनरली हम अल्फा सिंबल कब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं? व्हेन न्यूमेरिक सिंबल गेट्स एग्जॉस्टेड. सो व्हेन न्यूमेरिक सिंबल्स गेट्स एग्जॉस्टेड वी यूज अल्फा सिंबल्स और अल्फा कैरेक्टर्स, वॉट एवर. सो द कंबाइंड बना के ये अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स बन जाते हैं, इट बिकम्स अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स. तो अब तक का सबसे बड़ा, अगर नंबर सिस्टम की हम बात करें जो कि इन सब अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स से बन सकता है, वो क्या हो सकता है? सो वी कैन यूज, पहले तो 10 न्यूमेरिक सिंबल्स है हमारे पास, ठीक है. सो इन टोटल हमारे पास क्या है, 0 to 9, 10 हो गए. फिर वी विल यूज ए टू जेड, 26 लेटर होते हैं. स्मॉल ए टू स्मॉल डैश, 26 होते हैं. तो इफ आई एड अप, आई कैन से वी कैन यूज 62 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल. और इतना बड़ा एक नंबर सिस्टम हम बना सकते हैं बहुत आसानी से, है ना. सो इफ आई से लाइक व्हाट इज जेड 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 इन बेस 62, आपको अगर बेस 10 में इसको कन्वर्ट करके एक नंबर लिखना हो तो इट वुड बी समथिंग अराउंड 1,47,76,336 इन बेस सिस्टम 10. इस बड़े से नंबर को एक छोटे 4 सिंबल्स के द्वारा भी वी कैन रिप्रेजेंट इफ वी आर यूजिंग बेस सिस्टम 62. तो अधिकतर इस्तेमाल इतने बड़े नंबर सिस्टम का होता है. अगर आप ध्यान दें तो URLs जब हम कॉपी करते हैं, किसी को भेजते हैं, तो आपको एक URL कोड मिलता है छोटे, समथिंग लाइक 1HLR6LZ. ठीक, लग रहा है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिंबल यूज करके कोई एक छोटा सा कोड है, बट अगर इसको आप 62 के बेस में कन्वर्ट करेंगे, यू नो दैट इट विल बी अ यूज नंबर नंबर सिस्टम 10. तो URL शॉर्टनर्स के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है 62-bit 62 अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स का. ठीक, नाउ विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट बेसिस. ठीक है, मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से सब बता रहा हूँ. जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है रेडिक्स भी, वो उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा. फाइन, सो
What do you mean by base? Base, अगर मैंने सपोज किया बेस इज आर्ट, तो बेस इज नथिंग बट सिंबल्स यूज्ड. फाइन, सिंबल यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बेस. कितने सिंबल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं. तो अब अगर समझना चाहें तो इफ वी टेक बेस आर, देन सिंबल्स टू बी यूज्ड वुड बी फ्रॉम 0 टू आर माइनस 1. हमेशा सिंबल की काउंटिंग 0 से शुरू हो. अगर बेस सिस्टम 15 है तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंबल 0 एंड वी विल गो टिल 15 काउंट ऑन. ठीक है, लाइक नंबर सिस्टम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर सिस्टम, बताएंगे आप व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम? ऑब्वियसली 2, एकदम क्लियर है. एंड व्हाट वुड बी द सिंबल यूज्ड इन बाइनरी सिस्टम? सिंबल का इस्तेमाल होगा सिर्फ 0 एंड 1, 2 नहीं आए. 0 एंड 1 टोटल मिला के हो गए 2. ठीक, सेप्टेन्यूरी, सेप्टेन्यूरी, TNUARY, सेप्टेन्यूरी बेस सिस्टम कौन सा है? व्हाट इज द बेस सिस्टम फॉर सेप्टेन्यूरी? सिर्फ एक ही आंसर कर रहा है, यहाँ पर इतने लोग जुड़े हुए हैं. सेप्टेन्यूरी 7 एंड द सिंबल यूज यूज बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 टिल 6, टोटल मिला के 7, isn't it? एंड फेमस एक और है ऑक्टल, बेस सिस्टम 8, 0 से लेकर 7 तक वी विल यूज. डेसिमल, इसको हम क्यों भूल जाते हैं? इनको भी तो नाम लिखना चाहिए हमें. बेस सिस्टम इज 10, वी यूज नुमेरिक सिंबल्स फ्रॉम 0 to 9. ठीक, डुओडेसिमल, डुओडेसिमल, एनी आइडिया किसको बोले हैं डुओडेसिमल? डुओडेसिमल बताइए. कोई नहीं बता रहा. डुओडेसिमल, डुओडेसिमल इज 12, डुओडेसिमल इज 12, 0 to 9, 10 न्यूमेरिक डिजिट्स ओवर, देन अब इसके बाद अल्फा लेना शुरू कर देंगे. 10 ओवर हो गए 11, अरे 12, तो मतलब ये 9, 10, 11. इफ यू नीड टू से 10 वी विल यूज अल्फाबेट ए, इफ यू नीड टू से 11 वी विल यूज अल्फाबेट बी. ठीक है, जैसे डुओडेसिमल है इसी तरह से तो हेक्साडेसिमल भी हुआ ना, एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर वन हेक्साडेसिमल. यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस. 16, बेस सिस्टम इज 16, 0 to 9, 10 अप. अब इसके बाद 6 अल्फाबेट्स होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, अब एफ का मतलब 16 नहीं है, का मतलब 15 है, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ठीक है, अब हो गया ज्ञान, ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद मैथमेटिकल ऑपरेशंस रिलेटेड टू रेडिक्स. पहले लेट अस डू क्विकली, वी ऑल मे बी कंफर्टेबल बट हम फिर भी धीरे से समझ लेंगे. कन्वर्शन फ्रॉम वन बेस सिस्टम टू एनादर, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे चलते हैं? सब सिस्टम को 10 में कन्वर्ट किया जाता है, 10 को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज आर कंफर्ट जोन इज विद 10 इटसेल्फ. सो एक सिंपल एग्जांपल से लेट्स स्टार्ट. वी नीड टू कन्वर्ट 182 बेस 10 टू समथिंग इन बेस 2. ठीक है, जिन्हें मालूम है वो करें, बाकी लोग मेरे संग करते रहें. हाउ वी डू? वी कीप ऑन डिवाइडिंग 182 by 2, क्योंकि base system 2 में convert करना है. We keep on dividing 182 by 2 and also write the remainders if any. If any नहीं, remainder अगर नहीं हुआ तो 0 लिखना है. So this is 91, remainder is 0. Now again divide 91 by 2, 45, remainder 1. Again divide it by 2, 22, remainder 1, 11, remainder 0. Then दूसरे डिवाइड करेंगे 5, रिमाइंडर 1. अगेन इफ आई डिवाइड बाई 2 आई विल गेट 2, रिमाइंडर 1. एंड व्हेन आई डिवाइड दिस 2 बाई 2, क्वेश्चेंट इज 1, रिमाइंडर इज 0. और फिर नीचे से ऊपर जो रिमाइंडर वाला जो सीक्वेंस है उसको लिखा जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, उसको लिखा जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो दिस विल बिकम 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट
नंबर सिस्टम 10 टू नंबर सिस्टम 2 कंफर्टेबल है, ये नंबर है। दिस वॉज द नंबर कन्वर्शन। नंबर कन्वर्शन में नीचे से ऊपर जाते हैं और रिमाइंडर्स का काउंट हम लिखते हैं, ठीक है। वॉट इफ वी नीड टू कन्वर्ट फ्रैक्शन, वॉट इफ वी नीड टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन पार्ट, ठीक। फ्रैक्शन पार्ट का भी एक एग्जाम्पल लेट अस सी। 0.3125 इज इन बेस सिस्टम 10, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस सिस्टम 2, फ्रैक्शन पार्ट। डेसिमल से पहले आपका नॉन फ्रैक्शन इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, वी विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग विद 2। जैसे इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, व्हाट यू विल गेट, 0.625, ठीक है। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट आया उसको आपको मार्क करना, दैट इज 0। अब फिर से फ्रैक्शन पार्ट लेना है, फ्रैक्शन पार्ट इज 0.625, अगेन मल्टीप्लाई दिस बाय 2, सो 1.25, 1.25 इंटीग्रल पार्ट 1 रिकॉर्डेड। फिर से फ्रैक्शन पार्ट 0.25 इंटू 2, 0.50 इंटीग्रल पार्ट रिकॉर्डेड। फिर से फ्रैक्शन पार्ट एंड विल कीप ऑन डूइंग सो टिल वी गेट 1, और अपने को 1 मिलेगा, टेंशन नहीं। तो 0.5 इंटू 2 इज 1। अब इसके आगे कोई फ्रैक्शन पार्ट बचा नहीं है, इसलिए इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। नाउ दिस इज 1। नाउ हाउ वी रिकॉर्ड दिस, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम अप टॉप टू बॉटम। इसमें जस्ट उल्टा चलेगा, पूरा पैटर्न उल्टा चलता है। एंड वी विल राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द इंटीग्रल डिजिट्स जिनके नीचे मार्किंग की गई है। तो 0.3125 इन बेस सिस्टम 10 इज नथिंग बट 0.0101 इन बेस सिस्टम 2 इज नथिंग बट 0.0101 इन बेस सिस्टम 2। सो इफ आई आस्क यू व्हाट वुड बी 182.3125 इन बेस सिस्टम 10 टू बेस सिस्टम 2, पहले इंटीग्रल पार्ट हमने निकाला था 10110.0101, दिस इज इन बेस सिस्टम 2, फाइन, गुड। नाउ लेट्स रिवर्स द ऑर्डर, सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिवर्सिंग कर लेते हैं ऑर्डर का, एंड द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। टू एक सिंपल सा है समझने के लिए, इसलिए वी टेक अप 2, ठीक। 0.11001 इज इन बेस सिस्टम 2, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इन टू बेस सिस्टम 10, ठीक है, गुड। अब सिंस इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्शन इनटू बेस सिस्टम 10, इट इज अ फ्रैक्शनल पार्ट कन्वर्शन, आर रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एकदम उल्टा प्रोसेस चलता है। आर रीडिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद पावर्स ऑफ 2, विल स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मीन्स दिस विल बी 1/2 to the power 1, यहाँ 1 से स्टार्ट किया फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट फ्रैक्शनल पार्ट, प्लस 1/2 to the power 2, प्लस 0/2 to the power 3, प्लस 0/2 to the power 4, प्लस 1/2 to the power 5, जस्ट फाइंड द वैल्यू एंड एड अप। 1/2 इज हाफ 0.5, 1/4 25% 0.25, 0/something इज 0, 0/something इज 0, 1/32 35% 0.03125। If I add up, I'll get 0.78125. This is in base system 10. है ना, सिंपल। चलो अब जब सिंपल की बात करिए तो सर इंटीग्रल पार्ट क्यों छोड़ दिए, इंटीग्रल पार्ट को भी एक एग्जाम्पल के साथ में लेट्स मेक अ नोट ऑफ दैट। 1011 इज इन बेस 2, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस 10, ठीक। यहाँ पर I start recording from right to left and recording starts with 2 to the power 0. इस केस में recording starts from left to right and recording starts with 2 to the power 1 in division format. यहाँ पर recording starts from right to left but with powers of 2 starting with 0. ठीक, so this will be what, 1 into 2 to the power 0 rightmost के लिए, फिर उससे पहले वाला
1 into 2 to the power 1, then 0 into 2 to the power 2, then 1 into 2 to the power 3. Barabar, answer aa rahe hain, very good. 2 to the power 3 is 8 into 1 is 8, 0 gaya. 2 to the power 1 is 2, 2 to the power 0 is 1, 1 into 1 is 1, 11. So this is actually 11 in base 10. ठीक है, चलिए थोड़ा सा हाथ गरम कर लीजिए फटाफट, मुझे आंसर चाहिए. 1982 बेस सिस्टम 10, गिव मी द वैल्यू इन बेस सिस्टम 12 क्विकली. 30 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से. ले लीजिए, आपके लिए मैंने टाइमर भी लगा दिया, 30 सेकंड बस. बेस सिस्टम 12 है, बेस सिस्टम 12 है, ध्यान दीजिए, बेस सिस्टम 12 है, इट इज नॉट बेस सिस्टम 2, बेस सिस्टम 12, वेरी गुड. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आ गया हमारे पास. अरे टाइम भी हमारा खत्म हो गया. ठीक है, करेक्ट. 1982 इन बेस सिस्टम 10 है. आपको इसको बेस सिस्टम 12 में कन्वर्ट करना है. यू आर जस्ट सपोज टू डिवाइड दिस बाय 12, दैट्स इट. 1982 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ रहा है, कौन बताएगा? 1, मेरे कैलकुलेशन बहुत मज़ेदार है. 78 पर तो 6 हो जाएगा ना, 165 होना चाहिए. 165 विद रिमाइंडर 2, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम एंड देन 45 तो 4 मतलब 3, रिमाइंडर 9, देन 12 से डिवाइड करेंगे 1, रिमाइंडर 1. सो इट वुड बी फ्रॉम डाउन टू अप 1192. ये और कोई आंसर नहीं हो सकता. 131 ए हाउ कम, इट इज 1192 इन बेस सिस्टम 12. वेरी गुड, आप कुछ लोग कर रहे हैं, अच्छा है. अब इसी बात पर एक और फटाफट. 1277 बेस सिस्टम 10, गिव मी इन बेस सिस्टम 8. 8 से डिवाइड करते चलिए, फटाफट बताइए, गिव मी द वैल्यू इन बेस सिस्टम 8. 1277 base system 10, we are going to convert this into base system 8. Obviously, now we will start dividing this number by 8, isn't it? So, जो भी base system में convert करना है from 10, अभी हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ 10 to other base system या other base system to decimal base system. ठीक है, this is the first level. 8 से divide करेंगे, it would be 159, remainder आएगा 5, 8, 1 times, 9 times, remainder 7, then again with 8, 2 times, 16, remainder 3, top to bottom to top, 2, 3, 7, 5, very good, ठीक है. So this was 10 to any base system and any base system to 10, ठीक. अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं about how to convert one base system to another base system and what are the different short keys which we can use there. ठीक है, ये जो शॉर्ट की हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज बेसिकली फॉर एनी नंबर सिस्टम. द नंबर सिस्टम R है एंड वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इंटू बेस सिस्टम R स्क्वेयर और R क्यूब और R टू द पावर 4, इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट लाइक दिस. सपोज वी हैव अ नंबर इन बेस सिस्टम R, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इंटू बेस सिस्टम R स्क्वेयर. वी नीड टू convert this R into R cube or R into R to the power 4 and on. ठीक, तो simply करना क्या है, एकदम from right to left. Suppose R to the power n में convert करना है, from right to left make pairs का मतलब हमेशा सिर्फ दो नहीं होते, pairs मतलब group हो गया, या अब लिख सकते हैं make groups of n digits या n symbols बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है, of n symbols and convert it into base
10. That's it. That is the short way of doing it. Ekdam short way of doing it. 1010 is in base system 2. I need to convert this into base system 4. I know 4 is 2 is square. Matlab mera base to base matching ho gaya and n is 2. And if n is 2, abhi kya bola? From right to left, make group of 2 digits. Yahan se right se lekar left pe start karenge, making group of 2 digits. And this particular digit need to be converted into base 10. That's it. So 2 to the power 0 into 0 is 0, plus 2 to the power 1 into 1 will give me what? 2. Similarly, yahan par bhi mere ko yahi milega. 0 and 2 to the power 1 into 1 will give me 2. So this will be 2 plus 0, 2 plus 0. 22 in base system 4. Clear? This will be 22 in base system 4. Abhi isi ko hi 1010 ko agar main base system 2 mein, I need to convert this into base system 8. So 8 is base to match kar gaya, n is 3. So from right to left, 3 digit ka pair banega. बोले यहां तो सिर्फ एक ही डिजिट रह गया तो क्या हो गया उसके आगे वाले डिजिट्स को जीरो मान लेना तीन डिजिट का पेयर हो गया नाउ दिस थ्री डिजिट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू बेस 10 कैसे कन्वर्ट होगा वही रूल 0 into 2 to the power 0 plus 1 into 2 to the power 1 plus 0 into 2 to the power 2 तो सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं ये बचा 2 एंड 1 यहां पर क्या इसे कन्वर्ट होगा 0 into sorry 1 hai 1 into 2 to the power 0 that is 1 so it becomes 12 in base system 8 simple so this logic you can use for NER and conversion NER and conversion ye nahi hai ki you can only go from R to R square or R cube aap either way round bhi aa sakte hai aap piche bhi aa sakte hai theek hai 8 mein diya hai aapko isko 2 mein convert karna hai then for every digit you need to convert it into base 2 with 3 digit scenario theek hai with 3 digit scenario bola ye kya matlab hua 3 digit scenario isko bhi ek bar check kar lete hain theek hai with an easy example jo already humne kiya usi se check ho jayega suppose we have 22 in base 4 and I need to convert this into base 2 so is 2 ko ऐसा समझिए कि ये बेस सिस्टम 10 में है अब इसको अगर बेस सिस्टम 2 में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 2 क्वोशेंट 1 रिमाइंडर 0 ऐसे लिखते हैं ना विल राइट दिस इन टू डिजिट फॉर्मेट 10 अगेन दिस 2 वुड बी रिटन एज 10 हो गया हमारा वापस फाइन नाउ सपोज दिस इज फ्रॉम 4 टू 2 आई हैव 12 इन बेस सिस्टम 8 एंड आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस सिस्टम 2 टेक सिंगल डिजिट 2 टेक सिंगल डिजिट 2 ठीक है इसको क्या समझा है हमने इसको बेस सिस्टम 8 में समझा है ठीक है अब बेस सिस्टम 10 में समझा है सॉरी अब इसको 10 में समझा है तो इसको आप बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करिए इसको बेस सिस्टम 2 में कन्वर्ट करिए तो आप कैसे लिखोगे इसको आप बोलोगे इवन आई डिवाइड बाय 2 आई राइट 10 मैं 10 लिखूंगा सर मैं 10 लिखूंगा लेकिन आपको क्या बताया ये बेस सिस्टम 8 है यानी 2 टू द पावर 3 है तीन डिजिट का यहां पर कांसेप्ट आना चाहिए तो व्हाट विल बी द थ्री डिजिट इन दैट केस 010 फाइन एंड दिस इज 1 को फिर से अगर तीन डिजिट में लिखना है तो दिस विल बी 001 अभी टू द लेफ्ट 0 का कोई महत्व नहीं होता वी कैन डिलीट इट we can say it is 1010 aur abhi previous example mein we did the same thing now it is applicable for NER not only for 2 4 8 16 koi bhi r koi bhi base system mila hai aapko we can use it fine abhi base system 3 hai they ask you to convert into 9 check karna hai 3 square yes pairing of 2 chalega from right to left theek hai अभी इसको बेस सिस्टम 27 में कन्वर्ट करना है 3 टू पावर 3 है गुड यहाँ पर पेयरिंग ऑफ 3 डिजिट चलेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड कन्वर्ट इनटू बेस 10 एंड कन्वर्ट इनटू बेस 10 एंड वॉट एवर यू गेट ठीक है वी कैन मूव इधर वे राउंड यूजिंग दिस थिंग बराबर यहाँ तक
दिस इज कन्वर्शन फ्रॉम एनी बेस सिस्टम टू एनी. अब लास्ट थिंग किसी ने पूछ ली, सर बेस सिस्टम 7 में दिया है और बेस सिस्टम 11 में पूछ रहा है, हाउ डू आई कन्वर्ट? तब वहां पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू बेस सिस्टम 10, क्योंकि वो हमको मालूम है, हमारे लिए आसान है, हम समझते हैं, ठीक. एंड देन विल कन्वर्ट दिस इनटू 11, और कोई चारा नहीं बचता. वो शॉर्टकट जो ट्रिक्स ये सब चलती है ना, और कोई अगर स्पेसिफिक ट्रिक आपको बताता है समझ लीजिए, वो यूज कर हो सकती है लेकिन वो स्पेसिफिकली यूज हो, ठीक. नहीं तो नॉर्मल ये एक फंडा इज क्वाइट मोर देन इनफ किसी भी बेस को किसी भी बेस में ले जाने के लिए. इफ यू आर फीलिंग नॉट सो श्योर, कन्वर्ट दैट इनटू बेस 10 एंड देन कन्वर्ट बेस 10 इनटू एनी अदर बेस जो भी पूछा गया है, ठीक. दैट्स सच इन कन्वर्शन. गुड. अभी थोड़ा सा लेट अस डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हाउ वी डू इट. Normally, how we add, subtract, or multiply with different bases. जैसा हमने base system 10 में किया है वैसा ही यहाँ करना है, और तो कुछ करना नहीं, ठीक है. With an example, I'll show all the three and then we will practice more and do it. They've asked us to add these three numbers on your screen and all the numbers are in base system 2. ठीक है, यू नीड टू एड अप. एडिशन करने का रूल वही है जो बचपन में क्लास 1 में सीखा था, स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड कॉलम एंड कीप ऑन एडिंग. बट कैरी कैसे होगा? कैरी का बस यहाँ पर कैरी थोड़ा सा समझ लेना है बस, वो यूट्यूब वाले कैरी नहीं, यहाँ पर ये कैरी ओवर वाले कैरी हैं ये. ना 1+1+1 इज 3, लेकिन बेस सिस्टम 2 में वी हैव गॉट ओनली 2 डिजिट 0 एंड 1. नाउ हाउ टू राइट 3? तो इसके लिए बस दिमाग में सोचना है 3/2 इज हाउ मच, 3/2 कोशेंट इज 1, 3/2 कोशेंट इज 1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 3/2 कोशेंट 1 रिमाइंडर 1. कोशेंट जो होता है उसी को हम लोग कैरी ओवर बोलते हैं, वही कैरी होता है, ठीक. 1 कैरीड, रिमाइंडर नीचे आके बैठ जाएगा 1. अगेन गो टू द नेक्स्ट कॉलम, 1+1 इज 2, 2 तो है ही नहीं मेरे पास लिखने के लिए, 2/2 कोशेंट 1 रिमाइंडर 0. ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल सकती हैं, ना तो सिर्फ आपको नोट करवाने के लिए सब लिखवाया जा रहा है. 2/2 कोशेंट 1 रिमाइंडर 0, विल राइट 0 रिमाइंडर, कैरी ओवर 1. अगेन 1+1+1 1+1+3 एंड डिवाइडेड बाई 2 कोशेंट 1 रिमाइंडर 1, रिमाइंडर लिखा. अब कोशेंट के लिए आगे और कुछ है नहीं, उसको एज इट इज उसके बगल में. This is how we add in any bases, not necessarily with 2, किसी भी बेस के साथ में आप इसी तरीके से addition perform करेंगे, ठीक है. जब हम question solve करेंगे तब एक दो question और addition के I'll ask you to do. Okay, let's see. Find 1 1 0 0 1 1 and subtract 1 1 0 1 0 from it, and these numbers are in base system 2. Let's see. 1 1 0 0 1 1, and I need to subtract 1 1 0 1 0 from 1 1 0 0 1 1, and all are in base system 2. Very good, very good. Answer आना शुरू हो जाता है. वाह 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 वाह, बहुत शानदार आंसर आ गया. अब सिर्फ समझना है कि कैरी का कॉन्सेप्ट कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है. ध्यान रखना है, हमने बचपन से जो डेसिमल पढ़ रखा था ना, 72 में से सर 59 माइनस करना है. अभी 229 तो माइनस होता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल करके सिर्फ और कैरी 1 ले लेते हैं. कैरी 1 नहीं हो रहा है, कैरी 1 नहीं हो रहा है. आपको समझना चाहिए, अगर कैरी 1 होता ना तो 2+1 3 होता, लेकिन जब कैरी 1 आता है तो अब हम उसको रीड कैसे करते हैं, तो हम उसको 1+2 रीड नहीं करते, हम उसे रीड करते हैं 12. वो रीडिंग 12 क्यों हुई? क्योंकि कैरी 1 नहीं हुआ था, कैरी 10 हुआ था.
जो भी बोरो हम करके लेकर आते हैं उनके पास में, वो हमेशा नंबर ऑफ सिंबल्स बोरो होता है, नंबर ऑफ सिंबल्स बोरो होता है इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। वी डू नॉट बोरो वन, ठीक, वन लेकर नहीं आए हम, टेन लेकर आए। जब टेन टू के साथ में मिला तो वो 12 बन गया। नाउ 12 माइनस 9 गिव्स मी 3, नाउ 6 माइनस 5 विल गिव मी 1। तो सेम कॉन्सेप्ट को अपने को इधर यूज करना है। वी आर इन नंबर सिस्टम 2, व्हेनेवर वी आर बोरोइंग, कुछ बगल वाले से आप लेकर आ रहे हो, कुछ क्या, हमेशा आप एक यूनिट उससे लेकर आते हो। वो एक यूनिट एक्चुअली कितने सिंबल्स के बराबर होता है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर सिस्टम वी आर डीलिंग विद। वी आर डीलिंग इन नंबर सिस्टम 2, तो दैट पर्टिकुलर बोरोइंग जो हम लेकर आए, दैट विल बी इन नंबर सिस्टम 2, दैट विल बी काउंटेड है 2 यूनिट्स, वो एक ग्रुप 2 यूनिट्स, 2 सिंबल के बराबर। यहाँ पर मेरे पास एक सिंबल है, एक सिंबल में से कोई भी सिंबल आपको घटाना नहीं है, जीरो सिंबल घटाना है, तो 1-0 का आप बोलते हो, वी आर लेफ्ट विद 1 सिंबल। नाउ 1 सिंबल माइनस 1 सिंबल विल गिव मी 0 सिंबल, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं में से कुछ नहीं तो कुछ जीरो। नाउ फ्रॉम 0 आई कैन नॉट टेक अवे 1 सिंबल, तो आई विल आस्क इसके बगल वाले के साथ में जो एकदम लेफ्ट मोस्ट में बैठा होता है, भाई अपना वैल्यू एक ग्रुप कम करो और मुझे सिंबल्स दे दो। जब सिंबल्स आएंगे तो 2 सिंबल्स आएंगे, बिकॉज वी आर इन बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक, 1 सिंबल नहीं आएगा, 1 ग्रुप आएगा जो 2 सिंबल लेकर आएगा। 2 सिंबल्स माइनस 1 सिंबल विल गिव मी 1 सिंबल अगेन। नाउ अगेन 0 माइनस 1 नहीं होगा। इससे पूछा, भाई आप दे सकते हो, इसने बोला हाँ मैं दे सकता हूँ। इसने अपना एक ग्रुप दे दिया और जब एक ग्रुप आया तो मुझे 2 सिंबल मिले, आई गेट 2 सिंबल्स, 2 सिंबल्स माइनस 1 सिंबल विल गिव मी नाउ 1 सिंबल। दिस इज माई आंसर। दोज हू हैव गॉट दिस करेक्ट, वेरी गुड, यू नीड टू प्रैक्टिस। बराबर, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ सिंबल्स याद रखना है इन नंबर सिस्टम। व्हेन वी आर बोरोइंग, अपने पूरा ग्रुप बोरो करते हैं, लेकर आते हैं, विच इज अ सेट ऑफ ऑल सिंबल। और जब कैरी, जब एडिशन के समय में कैरी ले जाते हैं, तो कैरी हमेशा कोएफिशिएंट को ले आया जाता है जो उस बेस सिस्टम से डिवाइड करके आता है। इजंट इट, जब कोएफिशिएंट को कैरी कर रहे हैं तो हम लोग पूरे के पूरे उतने डिजिट्स को, उतने सिंबल्स को कैरी करते हैं। उसी हिसाब से जब बोरो करेंगे, जो नंबर सिस्टम है उतने ही सिंबल्स भी बोरो होंगे। आई थिंक दिस इज मेकिंग सेंस नाउ। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेट अस सी, एक मल्टीप्लीकेशन भी करते हैं। मल्टीप्लाई 346 इन बेस सिस्टम 7 एंड एक सिंपल सा ही ले लेता हूँ, 4 इन बेस सिस्टम 7। सेवन में 3 सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, कैरी पर ध्यान देना, 3, 4, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, डू इट नॉर्मली, लेट मी सी द आंसर। ओके, 4 × 6 गड़बड़ है, देखना पड़ेगा ध्यान से, सब गड़बड़ आंसर आ रहे हैं, प्लीज क्यों गड़बड़ कर रहे। 4 × 6 बोलो ना कितना, 24, बट इन नंबर सिस्टम 7 वी हैव ओनली गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6 24/7 क्वोशेंट 3 21 रिमाइंडर 3 रिमाइंडर लिखेंगे नीचे, क्वेश्चन जो आया वो कैरी ऊपर ऐड होगा उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन के बाद, जैसे कि होता है नॉर्मली, इजंट इट। नाउ अगेन 4 × 4 = 16, 16 + 3 = 19, 19 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 5,
रिमाइंडर नीचे लिखना है, क्वेश्चन को आगे ले जाना है। एकदम सही आंसर आया विष्णु, 4 × 3 = 12 + 2 = 14, 14/7, क्वेश्चन 2 रिमाइंडर 0। रिमाइंडर लिखने का है, क्वेश्चन लिखने के लिए और आगे नंबर नहीं है, फ्रीली लिख दीजिए। दिस इज इन बेस सिस्टम। तो अभी एकदम बेसिक चीजों के ऊपर हमने बात करी, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर अरिथमेटिक है, डिवीजन नहीं होता। डिवीजन नहीं होगा, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड हम एक दो चीज की बात जरूर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंस वी हैव डन डिविजिबिलिटी रूल विद यू, ठीक है, आप जल्दी कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक। अब डिविजिबिलिटी रूल विद नंबर सिस्टम 10 लूंगा, और फिर विद एनी नंबर सिस्टम दो बेसिक जो फेमस डिविजिबिलिटी चलती हैं उनसे रिलेटेड हम बात कर सकते हैं। ये स्टार लगाकर नोट करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये बहुत फेमस नंबर्स, और फेमस नंबर्स 9 और 10। अगर मैं नंबर सिस्टम 10 की बात करता हूँ, यानी इफ़ आई टॉक अबाउट डेसिमल नंबर सिस्टम, दीज आर द टू फेमस डिवाइजर्स, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 11, ठीक है। फटाफट से एक बार रूल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो व्हाट इज़ द रूल फॉर नाइन, अपने नॉर्मल रूल क्या चेक करते हैं वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 और नॉट। बोलिए फटाफट, एड ऑल डिजिट, एकदम वेरी गुड। एड ऑल डिजिट जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ डिजिट, इजंट इट, यस, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, वेरी गुड। 11 का क्या था, वो जो ऑड इवन वाला जो कि सबसे पॉपुलर है और जो चीज हमें जल्दी समझ में आ भी जाए, ऑड इवन वो था ना, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 विद एनी साइन, ठीक है, समेशन ऑड समेशन इवन, फाइन। अब देखो यहां पर अब किस तरह से एक वंडरफुल आपको चीज बताता हूं मैं, और यही दो पॉपुलर हैं इन डिफरेंट नंबर सिस्टम ऑल्सो। दिस वॉज बेस सिस्टम 10 एंड वी वर टॉकिंग अबाउट वॉट 9 और 11, वाई दे आर पॉपुलर एंड वाई दे आर पॉपुलर विद अदर बेस सिस्टम ऑल्सो आपको समझ में आ जाएगा। दिस वॉज नंबर सिस्टम 10 एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी फॉर 9 और 11। कुछ मैच इसमें समझ में आया, कुछ मैचिंग दिखा इसमें। अब देखो मैच कैसे हो, सपोज वी आर इन नंबर सिस्टम बी, ठीक है, एंड दे आस्क यू टू चेक डिविजिबिलिटी फॉर बी माइनस वन, दे आस्क यू टू चेक डिविजिबिलिटी फॉर बी प्लस वन। आपको पता है रूल रिमेन सेम, स्टार लगाकर लिख लेना, रूल्स रिमेन सेम। व्हाट डू यू मीन बाय रूल रिमेन सेम, मतलब इफ अ नंबर इज गिवन इन बेस सिस्टम बी and if they ask you whether that number is divisible by b minus 1, आपने को क्या चेक करना है, सिर्फ इतना चेक करना है whether sum of digits in that base system is divisible by b minus 1 or not, that's it. If they ask you to check whether the number is divisible by b plus 1 or not in base system b, ये odd even वाला process use करिए, odd even वाला process use करिए। अगर आपको 0 मिल जाता है then that number is divisible by b plus 1, और अगर आपको b plus 1 टाइम्स कुछ मिलता है देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई बी प्लस वन। इसको और क्लियर करने के लिए लेट्स टेक अप वन एग्जाम्पल ईच और फिर इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक सब ठीक ठाक चल रहा है। बी क्या है, बी बेस है और क्या है, बी इज एनी बेस, ठीक है। अब दिया है लेट्स चेक, देयर आर इज 6, 3, 7, 4 in base system 9 divisible by 8. We need to check whether 6, 3, 7, 4 in base system 9 divisible by 8. बोला ना यहां पर चीजें, this is your B,
your base is 9 and they have asked you to check whether the number is divisible by b minus 1 or not. Or abhi kya bataya? If the number is in base system B and you need to check whether the number is divisible by b minus 1 or not, rule is simply find the sum of digits. Find the sum of digits and check whether these sum of digits are divisible by 8 or not. 6 plus 3 plus 7 plus 4 is 20. Now, 20 is not divisible by 8. That means this entire number is not divisible by 8. Hai na majida? This entire number is not divisible by 8. Ek example aur note rakhe. B plus 1 ka bhi ek example note rehna chahiye. ठीक है, इज 5236 इन बेस सिस्टम 9 डिविजिबल बाय 10? ये एट अ ग्लांस फर्स्ट टाइम देखने पड़ना, एक्चुअली हिट नहीं करते ये सारी चीजें, इसलिए बहुत प्रैक्टिस करिए कॉन्सेप्ट को, बहुत धीरे धीरे बताया जा रहा है इसलिए सब कुछ समझने की कोशिश की. बेस सिस्टम इज बी, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड whether it is divisible by b plus 1 or not. और अपने को मालूम है अगर base system 10 है, 11 पूछता है तो odd even. Base system b है, b plus 1 पूछा है तो simple odd even concept पे लगा देते हैं. 5236, 5 plus 3 is 8, 2 plus 6 is 8, very good. 8 minus 8 is 0, wonderful. Our number 5236 in base system 9 is divisible by 10. बराबर है, यही दो पॉपुलर हैं इसलिए इन दोनों से ही रिलेटेड हमने बात करनी है. अब आप बोलोगे 13 बोलो, 15 बोलो, उतना एप्टीट्यूड में पूछा नहीं जाता है. चलिए, ठीक है, अब बेसिक प्रॉब्लम्स थोड़े से और सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट की और बात कर लेते हैं. इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल के आप नोट कर सकते हो उनको. ठीक, पूछा है 100 इज अ स्क्वायर नंबर in which number system. किस नंबर सिस्टम में आपको लगता है 100 जो है वो कोई एक स्क्वायर नंबर होगा? किस नंबर सिस्टम में आपको लगता है कि 100 है वो एक स्क्वायर नंबर होगा? तो जनरली जो दिमाग में हिट करता है वो क्या है? डेसिमल. अरे पता है हमें 10 का स्क्वायर 100 होता है. वेरी गुड. आइंदा से इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए एक बार अपने आप से बात करना शुरू करिए. अब कैसे बात करोगे? ठीक है, सपोज दिस इज अ नंबर इन बेस सिस्टम बी. मुझे मालूम नहीं है किस बेस सिस्टम में. सपोज मुझे एक्चुअली मालूम नहीं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस डेसिमल सिस्टम सो मच एज यू पीपल आर. सो हाउ एंड द क्वेश्चन इज आस्क्ड, दिस 100 इज अ स्क्वायर नंबर विच नंबर सिस्टम? आई डोंट नो. तो लेट मी स्टार्ट बाई कॉलिंग इट, लेट इट बी स्क्वायर नंबर बेस सिस्टम बी. ठीक, नाउ इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस, कन्वर्ट दिस नंबर इन टू बेस सिस्टम 10, बिकॉज उसी पर ही कन्वर्शन बेसिकली सब सीखे हैं हमने. तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 इंटू बी टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू बी टू द पावर 0. ऐसे तो लिखते हैं ना, पहले ये लिखा, फिर सेकेंड टर्म ये, फिर ये. अब इसको जब कैलकुलेट किया क्या मिला? 1 इंटू बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर 0, 0. अरे दिस इज बी स्क्वायर, मतलब 100 इन एनी बेस बी, इन एनी बेस बी इज एक्चुअली इक्वल्स टू बी स्क्वायर व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम. दैट मीन्स व्हाट? दिस कॉल्स फॉर व्हाट? इट कॉल्स फॉर दैट 100 इज अ
square number in all base system. जो भी आप base system लीजिए उसमें आप 100 जब भी लिखते हैं वो उस बेस सिस्टम का जो बेस बी है उसी का स्क्वायर होता है। ये एकदम दिमाग में बिठाने वाली बातें हैं, एकदम सेट, बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। लाइक आप बोलोगे इस 25 इज अ स्क्वायर बेस सिस्टम 10, ठीक है ना। अभी 25 को अगर मैं बेस सिस्टम 5, ये बेस सिस्टम 10 में है, बेस सिस्टम 5 में लिखने के लिए बोलूँ तो आपका क्या होगा आंसर, देख लेते हैं। 25 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 5 टाइम्स लीव रिमाइंडर 0, 5 पे फिर डिवाइड किया 1 टाइम्स लीव रिमाइंडर 0, कितना आया 100 आया। मींस व्हाट, 25 तो स्क्वायर नंबर था ना, 100 भी स्क्वायर नंबर है। 100 इज स्क्वायर नंबर इन एनी बेस सिस्टम, कोई भी बेस सिस्टम ले लो। अब 121 ले लीजिए, 121 इज 11 स्क्वायर पता है, उसको आप बेस 11 में कन्वर्ट करो। 121 11 से डिवाइड करते हैं, 11 टाइम्स 0, फिर 11 से डिवाइड किया 10, दैट इज 121 रिटन इन बेस सिस्टम 10 इज नथिंग बट 100 इन बेस सिस्टम 11। फाइन, फाइन विद ऑल, समझ में आया ना। ये इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए कि जो चीज हमें स्क्वायर नंबर लग रही है, जो बिट्स में है, 100, इन सब तरीके के जो सीक्वेंस वाले नंबर हैं, सब किसी ना किसी के एक पावर, किसी ना किसी एक से ज़्यादा बेस में होंगे ही। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम उसी तरह से इस चीज़ को भी प्रूफ किया जा सकता है कि 1000 इज अ क्यूब, इज अ परफेक्ट क्यूब, ऐसा भी बोल सकते हैं, इज अ परफेक्ट क्यूब इन एनी नंबर सिस्टम। बट यहाँ पर एनी की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी, एनी नंबर सिस्टम, उसको हम देखते हैं कैसे ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वैसे तो ये एनी नंबर सिस्टम में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1000 बेस सिस्टम बी, इट वुड बी रिटन एज वॉट, 1 × b³ प्लस 0 × b² प्लस 0 × b⁻¹ प्लस 0 × b⁻¹, क्या बचा pq। सोचना किस लिए, इसी तरह से 10 के जिस तरह से पावर बढ़ते जाएंगे वो उतने पावर के रेडिक्स बनते जाते हैं, उतने पावर के सर्ड बनते जाते हैं इन दैट पर्टिकुलर नंबर सिस्टम। ठीक है, अब एक 20 सेकंड का टाइमर लगाकर एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताएंगे आप। लेट्स सी, वन ट्वेंटी वन इज ए स्क्वायर नंबर इन विच नंबर सिस्टम, अगर ये पूछा आप कैसे इसका जवाब दोगे। ध्यान से देखना, आपको आंसर मालूम है लेकिन फिर भी गलती कर सकते हो, आपको आंसर मालूम है, ध्यान से देखना और बताना है मेरे को। 121 इज ए स्क्वायर नंबर, मालूम है डेसिमल नंबर सिस्टम में स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन ये किस और क्या, ये और किसी नंबर सिस्टम में भी स्क्वायर नंबर है? इज 121 इज ए स्क्वायर नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम, वी नो दैट 11 स्क्वायर इज 121, बट क्वेश्चन इज 121 इज ऑल्सो अ स्क्वायर इन एनी अदर नंबर सिस्टम। आपको मैंने की भी लिख के दिया, आपको बस यही यूज करना चाहिए हमेशा, कन्वर्ट दिस, कन्वर्ट दिस, दिस विल बी 1 × b² प्लस 2 × b⁻¹ प्लस 1 × b⁻¹, कितना हुआ b² प्लस 2b प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू b प्लस 1। मीन्स व्हाट, 121 is a square number in any base, b plus 1 है। और यहां पर एक digit 2 भी है, so there should be some condition attached to it, it cannot be in base system 2, base system 2 में नहीं हो सकता ना, b का value 2 से बड़ा होना
चाहिए, इजेंट इट? बिकॉज यहां पर क्या डिजिट आपको दिख रहा है? यू कैन सी डिजिट टू, बी का वैल्यू टू नहीं हो सकता, बिकॉज 1, 2, 1 कैन नॉट बी अ नंबर इन बेस सिस्टम 2. तो ये क्लिक आना चाहिए दिमाग में, बराबर. आपको ऑप्शन ऐसे मिले 2, 8, नन, बोथ. अगर ये चीज आपको क्लियर नहीं है, नहीं हो रही, आप अधिकतर इस आंसर पे टिक लगा दोगे. क्यों? सर आपने तो बोला ना, बी है, बी प्लस वन आया, किसी भी नंबर सिस्टम में स्क्वायर हो जाएगा. नहीं ना, 1, 2, 1 है, 2 से बड़ा होना चाहिए नंबर सिस्टम. इसका मतलब बोथ मार्क नहीं हो सकता, बिकॉज वन ऑफ द ऑप्शन इज 2. इसका आंसर सिर्फ 8 मार्क करेंगे. ऑप्शंस में घुमा देते हैं हम लोग, ऑप्शंस के साथ में खेलने लग जाते हैं और फिर हमें दिक्कत लगती है. यू कैन सी दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन वंस आस्क्ड इन गेट. गेट एग्जामिनेशन है, GATE, बताया आपको, दो बार पूछा गया ये प्रश्न, 2008 में, 2011 में. लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड बेस एक्स इफ रूट ओवर 1, 2, 1 इन बेस एक्स इज इक्वल्स टू 11 इन बेस एक्स, एंड द ऑप्शंस आर 10, 11, 10 एंड 11 ग्रेटर देन 2. बताइए. टू से बड़ा क्यों? समझना होगा ना, नंबर सिस्टम 2 में 2 लिखने की जगह है क्या? नंबर सिस्टम 2 में सिर्फ दो सिंबल यूज होते हैं, 0 एंड 1. नंबर सिस्टम 2 में सिर्फ दो सिंबल यूज होते हैं, 0 एंड 1. तो अगर 121 बेस सिस्टम 2 में कैसे आ सकता है? समझना है ना एकदम? आप बोल रहे हो आप, ओह हाँ सर, बराबर. इनके आंसर बताइए, ए बी सी और डी. गेट का क्वेश्चन है, उसी से थोड़ा सा इंस्पायर होके बनाया गया. गेट में दो बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं. ऑप्शन आ रहा है ए बी सी डी, क्या बात, चारों तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, वेरी गुड. मतलब अब मुझ पर छोड़ दिया भाई, सेलेक्ट वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको जो मर्जी सेलेक्ट करना है करेक्ट करो. अभी मैंने आपको यही चीज बताई और उसके बाद भी आपको या तो समझ नहीं रहा, समझना है. 121 इज अ स्क्वायर नंबर, अग्रीड, ये हमें पता है. 121 इज अ स्क्वायर नंबर एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 11, मींस 11, एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 11 इन विच बेस अभी ऊपर लिखा था ना, इन एनी बेस सिस्टम बट बेस सिस्टम शुड बी ग्रेटर देन 2. ये जो तीन एग्जाम्पल दिए ना, एकदम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि आप इससे लालाहित हो जाओ और बोलो अरे 10 में भी, वहां तो बोला था एक सिस्टम से ज्यादा में होता है, सी पे मार्क करो, 10 11 लग रहा है. नहीं, 10 11 नहीं है, आंसर ये है. किसी भी बेस सिस्टम पर आप ले जाओ, बस वो बेस सिस्टम 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी क्या है, 121 इज अ स्क्वायर नंबर, अग्री, 121 इज अ स्क्वायर नंबर एंड इट इज अ स्क्वायर ऑफ 11, बट बेस सिस्टम क्या होना चाहिए, सिंस इट इज 121 तो बेस सिस्टम ऑब्वियसली आपका 2 से बड़ा होना चाहिए. ठीक, एक और एग्जाम्पल कर लो, शायद और भी चीज क्लियर हो जाए. ये थ्योरी क्लियर रखनी है, सम्स आप अपने आप भी कर सकते हैं, सम्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा. थ्योरी पर पकड़ पहले एकदम अच्छी रखिए. ठीक है, अभी बोला 144 इज अ स्क्वायर नंबर,
इन विच बेस 144 इज ए स्क्वायर नंबर, ये अपने को पता है, इन विच बेस बताइए, इन विच बेस, अगर इसका आंसर आपने क्लियरली लिखा, इसका आंसर आपने क्लियरली लिखा तो सब सही हो जाएगा। वन फोर्टी फोर इज ए स्क्वायर नंबर इन विच बेस, बराबर, तो अपने को वही लेके चलना है, बी ले लो, वन इंटू बी स्क्वायर प्लस फोर इंटू बी टू द पावर वन प्लस फोर इंटू बी टू द पावर जीरो, क्या मिलता है, बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस वन, मतलब ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया, ये भी एक स्क्वायर नंबर बन गया। तो 144 इन बी अगर है तो ये आपका बी प्लस टू में जाकर स्क्वायर नंबर बनेगा, ये आपका बी प्लस टू में जाकर स्क्वायर नंबर बनेगा। मैं अब बात कर रहा हूँ कि बी का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, बी का वैल्यू भाई 2, 3, 4 कैसे हो सकता है, 144 बेस 2 का मेंबर कैसे हो सकता है, 144 बेस 3 का मेंबर कैसे हो सकता है, 144 बेस 4 का मेंबर भी नहीं हो सकता। 144 जो है वो एक नंबर किसी भी बेस में हो सकता है, वो बेस आपका 4 से बड़ा होना चाहिए। अभी भी लगता है कुछ लोग कंफ्यूज बैठे हैं, वो बोल रहे हैं 25, देख लो भाई 25 का सेटअप देख लो, 25 का सेटअप देख लो, 25 टू डिजिट का नंबर है, 25 टू डिजिट का नंबर है, सेटअप अब उसी हिसाब से करने की कोशिश करना। टू डिजिट के नंबरों को हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हमारा डिस्कशन 3 पर होगा, फिर 4 पर होगा, फिर 5 पर होगा, बात को आपको समझना पड़ेगा। हमारा डिस्कशन 100 से ऊपर वाले नंबरों पर है, ठीक। ये जो 25 टू डिजिट वाले जो नंबर है ना, ये सिर्फ आपके डेसिमल वाले बेस में ही स्क्वायर रहेंगे। हमने 100 से स्टार्ट किया था क्योंकि वो हमारा बेस रहता है, उसी के ऊपर जाके हम और स्टडी करते हैं, ठीक। तो अपनी टांग ना खींचो फालतू में, ज़्यादा लंबे हो जाओगे परेशानी होगी। चलिए अब इसी बात पर एक और, 1, 3, 3, 1 इज अ क्यूब, मालूम है ना बेस सिस्टम 10 में क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, पता है ना, तो क्या आंसर होना चाहिए, इन विच बेस इट इज अ क्यूब, अब तो सिर्फ देखकर ही बता देना है ना, अब तो सिर्फ देखकर बता देना है का आंसर क्या होना चाहिए। और अगर मैं इसको कन्वर्ट भी करूं तो ये कैसे हो रहा है, 1 into b to the power 3 प्लस 3 into b to the power 2 प्लस 3 into b to the power 1 प्लस 1 into b to the power 0 दैट इज बी क्यूब प्लस 3b square प्लस 3b प्लस 1, ध्यान से देखें तो दिस इज बी प्लस 1 होल क्यूब, बट b का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। क्यूब पर जब जाएंगे ना हम लोग, कम से कम 4 सिंबल्स लेके जाएंगे, तब आप आगे की कहानी समझ पाओगे। पैस्कल्स ट्रायंगल को पढ़ो, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी इन सब चीजों में, बराबर। सो दिस वाज इट विद द कॉन्सेप्ट्स, ठीक। आई थिंक 1-2 क्वेश्चन और करते हैं कॉन्सेप्ट्स को पूरा कवर करने के लिए, और फिर हम और जो भी कॉन्सेप्ट्स किए हैं हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वेरी पॉपुलर, इफ 43 बेस एक्स इक्वल्स वाई 3 इन बेस 8, देन हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के
कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं. वेरी पॉपुलर, ठीक है, एंड इंटरेस्टिंग इक्वेशंस बनाकर ही, समझ के ही इन सब क्वेश्चंस को अपने को टैकल करना चाहिए. क्या क्या चीज समझ में आ रही? दिस इज इक्वलिटी ऑफ टू नंबर्स. पहले मैं ईच इंडिविजुअल नंबर के पास जाऊंगा. What I can say about X? Anyone? What I can say about X? कोई बताएगा? What I can say about X? 4-3 is a number in base system X. 4-3 is the number in base system X. Very good, Sandeep. What I can say about X? पहला relation मुझे मिला, that is X should be greater than 4. 4-3 number है किसी base में, इसका मतलब वो बेस 2, 3 या 4 नहीं हो सकता. द बेस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 4. चलिए, नाउ आई विल गो टू दिस नंबर. क्या पता लगा यहाँ से? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन आई गेट रिलेटेड टू वाई? वाई से रिलेटेड कुछ चीज पता लगी क्या? वाई 3 इज अ नंबर, ठीक है. वाई 3 आर टू सिंबल्स यूज्ड इन बेस सिस्टम 8. क्या बोल सकते हैं हम लोग वाई के बारे में? ये बेस सिस्टम 8 में कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल हो सकता है, कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल हो सकता है? फ्रॉम 0 टू 7, है ना. तो मैं ये बोल सकता हूँ y इज लेस देन 8, और टू बी मोर प्रिसाइज आई कैन से y वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 टू 7. y 0 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, या फिर 0 से 7 के बीच में ही होगा. मतलब 8 से छोटा होगा, इतना ही कह देना बहुत होगा, क्योंकि हमें मालूम है बेस जो हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट का वैल्यू 0 से नीचे तो जाने वाला नहीं है, नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है. सो दीज टू आर द प्राइमरी कंडीशंस जो यहाँ से देखकर एकदम क्लियरली समझ में आ गए, ठीक है. 4-3 का रेंज नहीं लिया है, ये रेंज नहीं है, ये x का वैल्यू है, कि x का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 4, इट कैन नॉट बी 4 और लेस देन 4. अब इनको क्या करते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं बोथ साइड को, एंड देन ट्राई टू इक्वेट. सो व्हाट विल बी 4-3 ऑफ बेस x इन डेसिमल? इट वुड बी 4 × x^1 प्लस 3 × x^0, है ना. फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो पावर्स लिखते हैं, एंड दिस वुड बी इक्वल्स टू लाइक y × 8^1 प्लस 3 × 8^0. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट. क्या मिला अपने को? 4x + 3 = 8y + 3. वाह. तो दिस गिव्स मी 4x = 8y, और आई कैन से x = 2y. बस अब आ जाएगा ना पैटर्न हमारे पास. अब तो अपने को हिट एंड ट्रायल इस रेंज में आकर करना है, ठीक है. We can start with what? X का वैल्यू 4 से बड़ा है, ठीक है ना. X का वैल्यू इज मोर देन 4, बट Y का वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए. अब X से अगर हम स्टार्ट करेंगे, वो डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए, दैट मीन्स X इज एन इवन नंबर. X इज इक्वल टू 2y, दैट मीन्स X इज एन इवन नंबर. और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वी नो दैट Y का वैल्यू इज फ्रॉम 0 टू 7. तो Y का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुछ नहीं हो सकता. Now if y is 0, x is 0. If y is 1, x is 2. If y is 2, x is 4. 3 per 6, 8, 10, 12, 14. That's it. Y से शुरू कर लिया, because y का value can be 0 to 7 and nothing else. Now we also know that value of x should be greater than 4. So 0, 0 cancel out, 2, 1 cancel out, 4, 2 cancel out. We are left with 5 pairs. और 5 सेट, द ओनली वैल्यू पॉसिबल फॉर एक्स एंड वाई टू मेक दिस पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई फ्रॉम बोथ एंड इज 6, 3, 8, 4, 10, 5, 12, 6 और 14, 7. फिर से एक्स का वैल्यू कैन नॉट बी 2, 3 और 4, बिकॉज इन बेस सिस्टम एक्स वी हैव रिटन अ नंबर 4-3. अभी 4-3 लिखा है, इसका मतलब वो ऐसा बेस सिस्टम होना चाहिए जिसमें डिजिट 4 तो आता हो, डिजिट 3 तो आता हो. बेस सिस्टम 2 में डिजिट 1, 0, 1 आते हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ 4-3. बेस सिस्टम 3 में 0, 1, 2 मिलेंगे,
नंबर सिस्टम 4 में आपको क्या मिलेगा, 0, 1, 2, 3। जब आप 4 से ऊपर जाएंगे, मतलब आप नंबर सिस्टम 5 में जाएंगे, तब मिलेगा आपको 0, 1, 2, 3, 4। हो सकता है x का वैल्यू 5 हो, हमें नहीं पता था, तो हमने क्या रेंज सेट कर दिया x का, x इज ग्रेटर देन y। और उसके बाद आपको थोड़ा सा स्किल दिखाना है एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल। विल डू मोर क्वेश्चंस, डोंट वरी। अभी के लिए थोड़ा सा विश्राम।